विकास तो इतना हुआ है कि हर बार इन लोगों को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ रहा है, और विकास ऐसा हुआ है कि रोड पे आप कहीं भी चलेंगे तो रोड पे नाली का पानी बह रहा है, इतना बलिया में विकास हुआ है। अब अगल बगल देख लेंगे विकास कितना हुआ है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। विकास इतना हुआ है कि पिताजी 40 वर्ष सांसद रहे, अभी वर्तमान में सांसद राज्यसभा है और काम कुछ नहीं हुआ है, और बस है कि पिताजी का सपना है। अरे बलिया की जनता पूछना चाहती है कि आपके पिताजी का सपना है क्या, आप बताइए। हर बात में कहते हैं कि पिताजी का सपना है। बलिया की जनता जानने चाहती है कि पिताजी का आपका सपना है क्या। ग्रीन एक्सप्रेसवे के नाम पे ये लोग कह रहे हैं ग्रीन एक्सप्रेसवे, वो ग्रीन एक्सप्रेसवे डिजाइन हम लोग किए थे, वो समाजवादियों की देन है, इन लोग की कोई उसमें काम नहीं है। जितना इस समाजवादी पार्टी में काम हुआ है उतना किसी सरकार में काम नहीं हुआ है। 82 पुल देख लीजिए, या इस समय जो नगर पालिका के वर्तमान चेयरमैन है, स्थिति पूछ लीजिए, इतने भाई हमारे हैं कि नगर पालिका की स्थिति इस समय क्या है। ट्रिपल इंजन की कह रहे हैं लोग की सरकार है, जब ट्रिपल इंजन की सरकार में ये हाल है तो अब आगे भगवान भरोसे है। इस बार सनातन पांडे जी यहाँ चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। उनको हर जात हर बिरादर खुल के वोट दे रहा है, ऐसा नहीं है कि बस एक जात दे रहा है, हर जात उनके साथ है, और इस बार बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या नाम आपका? अभिषेक दुबे। अभिषेक ठीक कह रहे हैं? मैं चमचम सर, मैं तो LIC एजेंट और प्राइवेट अध्यापक भी हूँ, लेकिन जो है नाम जो है नीरज शेखर जी का, छवि तो अच्छा है उनका, जैसा लोग बता रहे हैं काम के बारे में, तो वही काम जो है व्यक्तिगत, जैसे कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई शिलान्यास कर दें, कोई विकास कार्य उनके द्वारा हुआ हो, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो है चरित्र कहा जाए, व्यक्तिगत उनका जो है व्यक्तित्व अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ विकास की बात आ रही है, बहुत लोग बता रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या किया गया? समझिए, जब वोट दबाइएगा छवि को देखेगा कि मुद्दे को देखेगा? छवि और मुद्दा दोनों है, बता तो रहा है, मुद्दा तो बताया भाई जी ने, अभी सामने से भाई आया कि भैया क्या किया उन्होंने, लेकिन उसके साथ साथ छवि और करेक्टर ये सबको देखना है, लेकिन उसमें क्या है कि बेरोजगारी जो है जो मेन मुद्दा है, जैसे अभी ये आगे अग्निवीर, जैसे मैं BPED हूँ, MA इंग्लिश हूँ, अभी तक हम लोगों का जो मेरिट लगा हुआ आउट नहीं हुआ, तो ये बेरोजगारी जो बढ़ते जा रहा है ये मेन मुद्दा है, बेरोजगारी जो है। आज आप जो है BTEC MBA करके लड़के घूम रहे हैं, 10,000-12,000 नौकरी करने के लिए मजबूर हैं, और इस बात को उठाने के लिए आप तैयार नहीं है। जीत जाना आसान है, जीतना भाई ये है पब्लिक का वोट है, आप जीत जाएंगे, लेकिन इस बात को कहेगा कौन? वहां जाना है आपको, संसद में जाना है, विधानसभा में जाना है, तो इस बात को आपको रखना चाहिए। युवा, ये हमारे युवा जो बेकार है, हमारे जो साथ चल रहे हैं वो सारे MBA BTEC करके लड़के, आज हर आदमी का लड़का पढ़ रहा है, हर आदमी पढ़ाने के लिए कर्ज लेकर पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद होगा क्या? वो कौन जाएगा 4 साल का अग्निवीर में? और कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि दे रहा नौकरी, हर जगह आप छांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये मुद्दा है, मेन मुद्दा है। जैसे एक है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।